क्रिमिनल प्रोसीजर्स में क्राइम जस्टिस में अनदर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इज बिटवीन द पुलिस एंड जुडिशरी दैट इज़ द प्रोसिक्यूशन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ ऑफेंडर और द सस्पेक्ट उसमें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक सरकारी वकील को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चार्जेस प्लीड करे अगेंस्ट सस्पेक्ट या मुलिम के खिलाफ चार्जेस को प्रेजेंट uh, करे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ बिफोर द जज बिफोर द जुडिशरी उसके लिए um, ये जो प्रासिक्यूटर एक अपॉइंट किया जाता है ही शी इज़ अ लीगल बॉडी हु प्रेजेंट द केस ऑफ ट्रायल अगेंस्ट द क्रिमिनल कोर्ट में लेकिन उससे पहले uh, जो प्रासिक्यूटर है uh, वो uh, कुछ सर्टेन स्टेप्स अपने तौर पे भी लेता है आ, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन ये, ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि ये लीगल बॉडी है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ख़ास तौर पर क्राइम अगेंस्ट स्टेट जो है और क्राइम अगेंस्ट इवन पर्सन में भी अगर कोई सीरियस मेजर इंजरी है या मेजर कोई इंसिडेंट प्लेस हुआ है तो वहाँ पे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है जनरली प्रोसिक्यूटर इज़ अ लायर हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम विद द असिस्टेंस ऑफ पुलिस ये मैं बात करना चाह रहा था कि वो अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकता पुलिस एक केस बना के उसको प्रेजेंट करती है वो उसको विद द असिस्टेंट ऑफ पुलिस री इन्वेस्टिगेट करता है या उसको दोबारा से काउंटर चेक करता है कि कहीं बाकी ही ये जो ऑफेंस हुआ है दैट वाज ट्रू दैट टुक प्लेस और उसके अंदर क्या क्या एविडेंसेस हैं क्या वो एविडेंसेस जो हैं वो सफिशेंट uh, हैं अगर सफिशेंट हैं तो वो उसको प्लेट करता है अगर नहीं सफिशियंट तो वो पुलिस को कह सकता है कि आप इसको रीचेक करें रीअसेस करें और सफिशेंट एविडेंसेस uh, uh, उसके सामने लेकर आए प्रोसिक्यूटर जो है उसके सर्टन रोल्स हैं नंबर वन टू रीचेक इन्वेस्टिगेट द क्राइम नंबर टू टू डिसाइड वेदर आर नॉट टू इंस्टिगेट लीगल प्रोसीडिंग्स यानी उस एविडेंस की बेस के ऊपर ये नहीं कि अपनी तरफ से या अपनी मर्जी से मुझे कोई ये पसंद चीज़ आ रही है या ये, ये नहीं पसंद आ रही बल्कि वो ऑफेंस की नेचर को सामने रखते हुए नेचर ऑफ एविडेंसेस को केयरफुली रिकॉर्डेड एविडेंसेस को सामने रखते हुए आ, किसी भी केस को प्लीड करते हैं और फिर लीगल प्रोसीडिंग का वो हिस्सा होता है और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट होता है जितने भी एविडेंसेस हैं उनको दोबारा चेक करने के बाद उनको रीअरेंज करने के बाद क्रिमिनल्स uh, को असेस uh, करने क्राइम सीन uh, को असेस करने के बाद जो एफआईआर दी गई है उसको सामने रखते हुए और जो लीगल कन्विक्शन इम्पोज की गई हैं उनको सामने रखते हुए बाजात हमारे पुलिस में लोग लीगल फेमुलरिटी uh, के अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए प्रोसिक्यूटर का स्ट्रॉन्ग रोल होता है और वो क्रिमिनल uh, को कन् कन्विक्शन uh, में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर भी ऑल दो के देर आर अ लाट ऑफ लाट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन द प्रोसिक्यूशन प्रोसेस विद इन पाकिस्तान जहाँ पुलिस में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती इन्वेस्टिगेशन की या क्राइम डिटेक्शन की उसके उसी तरह से बाज़ात लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ लोग फेमिलियर नहीं होते इसी तरह से प्रासीिक्यूटर्स भी समाइम फुली मे नॉट बी ट्रेंड और उसकी वजह से भी बहुत जो कन्विक्शन के इश्यूज आते हैं या जो जजेंग में प्रॉब्लम्स आते हैं वो विजिबल होते हैं और बाकी जैसे कि हमारे ओवरऑल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स का भी रोल होता है ऑल दो के लॉयर रिप्रेजेंट आई मीन द प्रोसिक्यूटर रिप्रजेंट द स्टेट और स्टेट का एक किस्म का एम्प्लॉ होता है या उसकी सर्विस हायर की जाती हैं बट स्टिल इनकेपेसिटी के इशू आ सकते हैं सम वेयर मेल इंटेंशन और सम टाइम जो इन्फ्लुसिस जैसा कि हमारी सोसाइटी की नेचर है दैट मे ऑल्सो टेक प्लेस और इसकी वजह से जितनी भी प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस है दैट मे बी डिलेड एक रीज़न हो सकती है और दैट मे बी एक्टेड और उसको इग्नोर कर दिया जाए या डिले कर दिया जाए या प्रॉपरली उसको प्रोसीड ना किया जाए जिसकी वजह से जजिंग में कोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं तो हमने प्रोसिक्यूटर का रोल पढ़ा प्रोसिक्यूटर का जैसे पुलिस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल होता है तो प्रोसिक्यूटर इज़ अ लाइजोन बिटवीन पुलिस एंड जुडिश्री वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिविजुअल को आ, की कन्विक्शन में बहुत की रोल प्ले करता है जितना इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन होगी बेस्ड ऑन एविडेंसेज बेस्ड ऑन पिनल कोड उतनी इफेक्टिव पेनलाइजेशन होती है तो पेनलाइजेशन में वन ऑफ द की एक्टर जो है वो प्रोसिक्यूटर होता है प्रोसिक्यूटर एक लीगल एंटिटी uh, uh, है विद इन इन बिटवीन द पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम एंड पार्टिकुलरली विद इन द जुडिशियल सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही कन्विक्शन एंड पेनल्टीज का प्रोसेस स्ट्रांग होगा